मध्य प्रदेश उपचुनावों में किसान कर्ज माफी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भूमाफिया बताए जाने का मुद्दा हावी है। कांग्रेस लगातार इसे लेकर बीजेपी और सिंधिया पर हमला कर रही है। दोनों ही आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने ग्वालियर में कहा कि बीजेपी ने कभी भी किसानों की कर्ज माफी की बात नहीं की, हम उन्हें सक्षम बना रहे हैं। उन्होंने सिंधिया पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल किया कि प्रदेश में 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, तब उसने ये सवाल क्यों उठाए। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस अब पूरी तरह से साफ होती दिख रही है और हम प्रदेश की सभी 28 सीटें जीत रहे हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ग्वालियर में पत्रकार वार्ता ले रहे प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जो बीजेपी पर किसानों की कर्ज माफी के वायदे भूलने का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें मैं स्पष्ट बता दूं कि बीजेपी ने कभी भी कर्ज माफी की बात की ही नहीं। हम तो किसानों को हर स्थिति में सक्षम बनाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी किए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार किसानों को 6,000 और राज्य की शिवराज सिंह सरकार 4,000 रुपए महीना आर्थिक सहायता दे रही है। शर्मा ने कहा कि हमने किसानों को मौजूदा हालत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, सड़क बिजली पानी की सुविधा मुहैया कराई है। हम किसानों को प्रलोभन नहीं देते और ना ही झूठ बोलते हैं। हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई काम किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करती है। केंद्र सरकार ने किसानों को 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। उन्होंने कहा कमलनाथ जी, केंद्र सरकार की किसानों की सहायता के 6,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? यह सवाल का जवाब अभी अधूरा है। अपने बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और गरीबों छात्र छात्राओं की फीस सरकार द्वारा भरने की योजनाएं, इसका जवाब आपको जनता को देना होगा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में पूरी तरह हिल चुकी है, जिस कारण अब उसके नेता उल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार अपने कर्मों से गिरी थी, उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के मंत्री नेता उन पर गंभीर आरोप लगाते थे। अब चुनावों में ही देख लें कहां गई कांग्रेस की एकता। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्हीं की पार्टी में उन्हीं के मंत्री नेता उन पर गंभीर आरोप लगाते थे, जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।